नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, हम कोफिशेंट ऑफ कोरिलेशन डिस्कस कर रहे थे, उसी को आगे बढ़ाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कंप्यूटेशन ऑफ कोफिशेंट ऑफ कोरिलेशन फ्रॉम द ओरिजिनल गिवन डाटा, ओरिजिनल वैल्यू से। जब हमें एक्चुअल वैल्यू दे रखी है और वो एक्चुअल वैल्यू स्मॉल है या फ्रैक्शन में है, जब हमारे लिए डेविएशन लेना, अगर फ्रैक्शन में है तो डेविएशन लेना मुश्किल होगा, या प्लस माइनस इस तरीके से दे रखी है तो मुश्किल होगा, या हमारा डाटा बहुत छोटा है, ऑब्जर्वेशंस बहुत कम है और फ्यू हैं, तो हम इसका प्रयोग करते हैं। इस मेथड को हम प्रोडक्ट मोमेंट मेथड भी बोलते हैं, डायरेक्ट मेथड भी बोलते हैं। तो ये आपने ध्यान रखना है, एग्जाम में कई बार प्रोडक्ट मोमेंट मेथड के नाम से आ जाता है या डायरेक्ट मेथड के नाम से आ जाता है, तो आपने इस तरीके से करना है। तो कब ये प्रयोग होता है, वह नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आर फ्यू, कम है, कोरिलेशन कोफिशेंट कैन बी कैलकुलेटेड विदाउट टेकिंग डेविएशन, उसको हम बिना डेविएशन लिए कैलकुलेट कर सकते हैं। एक्चुअल मीन और अज्यूम मीन से हमें उसकी डेविएशन लेने की जरूरत नहीं है, हम एक्चुअल डाटा एक्स वाई का जो है, दो वेरिएबल्स का है, उनसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं। दूसरा, इफ वी डू नॉट वांट टू टेक डेविएशन, हम डेविएशन नहीं लेना चाहते, डू नॉट वांट टू टेक डेविएशन आइदर फ्रॉम मीन और फ्रॉम द अज्यूम मीन, किसी से भी, वी मे स्टिल कंप्यूट कोफिशेंट ऑफ कोरिलेशन, हम निकाल सकते हैं। इन सच केसेस कोरिलेशन कोफिशेंट इंक्लूड फॉलोइंग कैलकुलेशन, तो हमें क्या करना होगा, क्या कैलकुलेशन करनी होगी वो देखते हैं। एट फर्स्ट द वैल्यू ऑफ वेरिएबल एक्स एंड वाई सीरीज आर एडिड अप टू ऑब्टेनिंग समेशन एक्स एंड समेशन वाई। जैसे हमने उसमें समेशन डी एक्स डी वाई निकाला था, डी को हटा दो, समेशन एक्स और समेशन वाई निकालो, फिर इन वैल्यूज को स्केयर कर दो। हमने डी एक्स स्केयर निकाला था, यहाँ पर एक्स स्केयर निकालो और वाई स्केयर निकालो, फिर उनको ऐड कर दो, तो समेशन एक्स स्केयर समेशन वाई स्केयर आ जाएगा। तो हमारा जो फार्मूला था उसमें से डी हटा दो, आपका ओरिजिनल आ जाएगा, समेशन एक्स आ जाएगा, समेशन वाई आ जाएगा, समेशन एक्स स्केयर आ जाएगा, समेशन वाई स्केयर आ जाएगा। उसके बाद x और y की कोरस्पोंडिंग वैल्यू को आप मल्टीप्लाई करो, एक्स वाई आ जाएगा, फिर उसको सम अप करो, हमारा समेशन एक्स वाई आ जाएगा। तो ये हमारी वैल्यूज आ गई। फिर हमें क्या करना है, फार्मूले में पुट करना है। फार्मूला क्या है हमारा, वही हमने d को हटा दिया है, समेशन डी एक्स डी वाई था, उसकी जगह हमने कर दिया समेशन एक्स वाई, समेशन माइनस समेशन डी एक्स था, समेशन एक्स कर दिया, समेशन डी वाई था, उसकी जगह समेशन वाई कर दिया, डिवाइड बाय एन होल डिवाइड बाय समेशन एक्स स्क्वायर माइनस समेशन एक्स का होल स्क्वायर डिवाइड बाय एन अंडर द रूट समेशन वाई स्क्वायर माइनस समेशन वाई का होल स्क्वायर डिवाइड बाय एन अंडर द रूट। तो क्या अंतर नजर आ रहा है आपको, एक्चुअल अज्यूम्ड मीन वाले में, और इसमें हमने इसको डी को लैप्स कर दिया, डेविएशन को हटा दिया, अनदर थिंग रिमेन सेम। तो वही आ गया, समेशन एक्स वाई माइनस समेशन एक्स का स्क्वायर, समेशन एक्स माइनस सॉरी समेशन एक्स वाई माइनस समेशन एक्स समेशन वाई डिवाइड बाय एन होल डिवाइड बाय समेशन एक्स स्क्वायर माइनस समेशन एक्स का होल स्क्वायर डिवाइड बाय एन अंडर द रूट समेशन वाई स्क्वायर माइनस समेशन वाई का होल स्क्वायर डिवाइड बाय एन अंडर द रूट। कैसे करेंगे, हम एग्जाम्पल से क्लियर करते हैं, एग्जाम्पल से और समझेंगे तो और बेहतर क्लियर हो जाएगा। फ्रॉम द डाटा गिवन, हमें डाटा गिवन है, कार्ल पियर्सन कोफिशेंट ऑफ कोरिलेशन निकालना है, x की वैल्यू दी है 6 5 4 3 2 1, y की वैल्यू दी है 1 2 3 4 5 6। तो हमने क्या किया, x की वैल्यूज को लिखा, पहले x की वैल्यू को लिखा 6 5 4 3 2 1, इन सब का टोटल कर लिया, 6 प्लस 5 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1, तो हमारा समेशन x आ गया 21। फिर हमने इस x का स्क्वायर किया, x स्क्वायर आ गया 6 स्क्वायर 36 5 स्क्वायर 25 4 स्क्वायर 16 3 स्क्वायर 9 2 स्क्वायर 4 1 स्क्वायर 1, इन सब का टोटल कर लिया 36
+25 +16 +9 +4 +1, तो समेशन एक्स स्क्वायर आ गया हमारा 91। सिमिलरली हमने वाई की वैल्यूज को लिखा 1 2 3 4 5 6, उनका टोटल किया 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6, तो समेशन वाई आ गया हमारा 21। अब हमने वाई स्क्वायर निकालना है, वाई की वैल्यू को हमने स्क्वायर कर दिया, 1 स्क्वायर 1 2 स्क्वायर 4 3 स्क्वायर 9 4 स्क्वायर 16 5 स्क्वायर 25 6 स्क्वायर 36। फिर हमने एक्स वाई की वैल्यू को निकालना है, एक्स और वाई, ये हमारी एक्स है ये वाई है, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, 6 × 1 6 5 × 2 10 4 × 3 12 3 × 4 12 2 × 5 10 1 × 6 6। फिर अब इनको ऐड कर दिया, 6 + 10 + 12 + 12 + 10 + 6, समेशन एक्स वाई आ गया 56। हमारे पास समेशन एक्स वाई है, समेशन वाई स्क्वायर है, समेशन वाई है, समेशन एक्स स्क्वायर है, समेशन एक्स है। फार्मूले में पुट करो, फार्मूला है R इज इक्वल टू समेशन एक्स वाई माइनस समेशन एक्स समेशन वाई डिवाइड बाय एन होल डिवाइड बाय समेशन एक्स स्क्वायर माइनस समेशन एक्स का होल स्क्वायर डिवाइड बाय एन अंडर द रूट समेशन वाई स्क्वायर माइनस समेशन वाई का होल स्क्वायर डिवाइड बाय एन अंडर द रूट। वैल्यू पुट करेंगे, समेशन एक्स वाई हमारा 56 है, समेशन एक्स है 21, समेशन वाई है 21, एन है हमारा 6, समेशन एक्स स्क्वायर है 91, समेशन एक्स है 21, एन है 6, समेशन वाई स्क्वायर है 91, समेशन वाई है 21 और एन है 6। वैल्यू को पुट करो, हम कैलकुलेट करेंगे तो आर की वैल्यू आ रही है हमारी -1, तो दैट मींस एक्स और वाई हमारे परफेक्टली नेगेटिव कोरिलेटेड है। इस प्रकार से हम डायरेक्ट मेथड से कर सकते हैं। और एग्जांपल देखते हैं, नेक्स्ट है कैलकुलेट प्रोडक्ट मोमेंट कोरिलेशन। मैंने कहा था आपको क्वेश्चन में ऐसा आ सकता है प्रोडक्ट मोमेंट कोरिलेशन, तो दैट मींस आपको ओरिजिनल डाटा से निकालना है। डाटा दिया है एक्स का -5 -4 -3 -2 -1, वाई क्यू 1 0 -1 -2, तो यहाँ पर नेगेटिव वैल्यूज हैं, इसको हम डेविएशन लेंगे तो प्रॉब्लम आ सकती है, और कैलकुलेशन आसान है तो हम डायरेक्ट मेथड से निकालेंगे, और इसमें पूछा भी प्रोडक्ट मोमेंट से है तो हमें डायरेक्ट से ही निकालना है। कैसे करेंगे, एक्स की वैल्यू को लिखा -5 -4 -3 -2 -1, टोटल किया -5 -4 -3 -2 -1, समेशन एक्स आ गया हमारा -50। फिर हमने एक्स स्क्वायर निकाला, -5 स्क्वायर 25 -4 स्क्वायर 16 -3 स्क्वायर 9 -2 स्क्वायर 4 -1 स्क्वायर 1। अब इन एक्स स्क्वायर की वैल्यू को टोटल किया 25 + 16 + 9 + 4 + 1, समेशन एक्स स्क्वायर आ गया हमारा 55। सिमिलरली हम वाई की वैल्यू को लिखा q 1 0 -1 -2, हमने टोटल किया 2 + 1 + 0 - 1 - 2, समेशन वाई आ गया हमारा 0। फिर हमने वाई का स्क्वायर किया, वाई स्क्वायर आ गया 2 स्क्वायर 4 1 स्क्वायर 1 0 स्क्वायर 0 - 1 स्क्वायर 1 - 2 स्क्वायर 4। वाई स्क्वायर की वैल्यू को ऐड किया 4 + 1 + 0 + 1 + 4, तो हमारा समेशन वाई स्क्वायर आ गया 10। फिर हमें एक्स वाई निकालना है, ये एक्स की वैल्यू है ये वाई की वैल्यू है, दोनों को मल्टी -5 × 2 - 10 - 4 × 1 - 4 - 3 × 0 0 - 2 × 1 2 - 1 × -2 2, तो इस प्रकार से फिर हमारा एक्स वाई आ गया, इनका टोटल करेंगे -10 - 4 + 0 + 2 + 2, तो समेशन एक्स वाई आ गया -10, समेशन वाई स्क्वायर है हमारा 10, समेशन वाई है 0, समेशन एक्स स्क्वायर है 55, समेशन एक्स है -15। अब इन वैल्यूज़ को हम आर की फार्मूले में पुट करेंगे तो हमारा आर की वैल्यू आ जाएगी, आर का फार्मूला है समेशन एक्स वाई माइनस समेशन एक्स समेशन वाई डिवाइड बाय एन होल डिवाइड बाय समेशन एक्स स्क्वायर माइनस समेशन एक्स का होल स्क्वायर डिवाइड बाय एन अंडर द रूट समेशन वाई स्क्वायर माइनस समेशन वाई का होल स्क्वायर डिवाइड बाय एन अंडर द रूट।
वैल्यूज़ को पुट करेंगे और आर की वैल्यू आ जाएगी हमारी नेगेटिव वन। दैट मीन्स इसमें भी हमारा जो एक्स वाई वेरिएबल है वो परफेक्टली नेगेटिव कोरिलेटेड है। इस प्रकार से हम ओरिजिनल डाटा से कैलकुलेट कर सकते हैं। कुछ और एग्जांपल देखते हैं। टू सेट्स ऑफ वेरिएबल एक्स एंड वाई विद 50 ऑब्जर्वेशन ऑफ ईच, एन हमारा 50 है, एक्स बार दिया है 10, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स दिया है 3, वाई बार दिया है 6, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई दिया है 2, कोफिशेंट ऑफ कोरिलेशन एक्स वाई का दिया है पॉजिटिव 0.3। हाउएवर ऑन सबसीक्वेंट वेरिफिकेशन, जांच पड़ताल करने पर ये पाया गया कि वन वैल्यू एक्स की 10 और उसके कॉरस्पॉन्डिंग वन वैल्यू वाई की 6 वर इनएक्यूरेट, उनको गलत इंक्लूड कर लिया गया और उनको वीडिड आउट, उनको हटा दिया गया। रिमेनिंग 49, अब आपका एन हो गया 49, उन पेयर्स की वैल्यू से, ओरिजिनल वैल्यू से कोफिशेंट ऑफ कोरिलेशन निकालना है और ये बताना है कि वो ओरिजिनल वैल्यू जो आर की है उसको इफेक्ट करता है या नहीं। के यू के में 2001 में आया हुआ है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखते हैं कैसे करेंगे। हमारे को आर दे रखा है समेशन एक्स माइनस एक्स बार वाई माइनस वाई बार डिवाइड बाई एन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई, ये फार्मूला है। अब हम इस फार्मूले को सोल्व करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा समेशन एक्स माइनस एक्स बार वाई माइनस वाई बार इज इक्वल टू एन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई इंटू आर आ जाएगा, हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। फिर हम क्या करेंगे, जो एन की वैल्यू है 50, स्टैंडर्ड डेविएशन एक्स की वैल्यू है 3, स्टैंडर्ड डेविएशन वाई की वैल्यू है 2, आर की वैल्यू है 0.3, इसको पुट कर दिया तो हमारा समेशन एक्स माइनस एक्स बार वाई माइनस वाई बार आ गया 90। अब हम इसको सोल्व करेंगे, एक्स को वाई को एक्स से मल्टीप्लाई किया, समेशन एक्स वाई आ गया, वाई को माइनस एक्स बार से किया, माइनस एक्स बार समेशन वाई आ गया, फिर माइनस वाई बार को एक्स से किया तो वाई बार समेशन एक्स आ गया, और वाई बार और माइनस एक्स बार को किया तो पॉजिटिव समेशन बार है तो एन आ गया, समेशन एक्स बार वाई बार इज इक्वल टू 90 आ गया। समेशन एक्स वाई की वैल्यू हम यहां से निकाल लेंगे, 90 माइनस एक्स बार समेशन वाई प्लस वाई बार समेशन एक्स माइनस एन समेशन एक्स समेशन सॉरी वाई बार एक्स बार, तो इनकी वैल्यू को हम पुट कर देंगे तो यहां से हमारी समेशन एक्स वाई की वैल्यू आ जाएगी 3090। अब इसको हमें करेक्ट करना है क्योंकि ये 50 ऑब्जर्वेशंस का है, इसमें 10 इंटू 6 रॉन्ग इंक्लूड हो चुका है, उसको माइनस कर देंगे तो हमारी रिमेनिंग 49 की करेक्ट समेशन एक्स वाई आ जाएगा 3030। हमारे पास समेशन एक्स वाई आ गया। अब हम अन्य वैल्यूज़ को फाइंड आउट करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं समेशन एक्स होता है हमारा एन इंटू एक्स बार, तो करेक्ट एक्स समेशन एक्स निकालना है 50 इंटू 10, ये रॉन्ग है, इसमें से हम 10 एक्स की वैल्यू को माइनस कर देंगे तो हमारा करेक्ट एक्स बार आ गया 490। सिमिलरली समेशन वाई होता है एन वाई ए बार, करेक्ट समेशन वाई निकालना है, वाई की 50 इंटू 6 हमारा आ जाएगा और उसमें से रॉन्ग वैल्यू थी 6 वाई की, वो इंक्लूड एक्सक्लूड कर देंगे तो हमारा करेक्ट समेशन वाई आ जाएगा 294। अब हमारे को समेशन एक्स स्क्वायर निकालना है, तो हमारे को स्टैंडर्ड डेविएशन एक्स दे रखा है, उसका फार्मूला होता है समेशन एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय एन माइनस समेशन एक्स डिवाइड बाय एन का होल स्क्वायर अंडर द रूट। हमारे पास वैल्यू है स्टैंडर्ड डेविएशन एक्स की 3, समेशन एक्स स्क्वायर हमें निकालना है, एन की वैल्यू है 50, समेशन एक्स है हमारा 500 और एन है 550 स्क्वायर अंडर द रूट। इसको सोल्व करेंगे तो हमारा समेशन एक्स स्क्वायर आ जाएगा 5450। अब हमें करेक्ट निकालना है, इसमें से जो एक्स की वैल्यू रॉन्ग थी उसको एक्सक्लूड कर देंगे, एक्स की वैल्यू 10 थी उसके स्क्वायर को माइनस कर देंगे तो करेक्ट समेशन एक्स स्क्वायर आ गया 5350।
सिमिलरली हम समेशन वाई स्क्वायर निकालेंगे, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई दे रखा है, फार्मूले में पुट करेंगे वैल्यू को तो हमारा स्टैंडर्ड समेशन वाई स्क्वायर आ जाएगा 2000। ये रॉन्ग है, इसको करेक्ट करने के लिए 6 रॉन्ग वैल्यू जो ऐड हुई थी उसका स्क्वायर हम इसमें से लेस कर देंगे तो हमारा करेक्ट वाई आ जाएगा 1964। फिर हमारे पास सभी वैल्यूज आ गई, अब सभी वैल्यू आ गई तो हम क्या करेंगे, इनको फार्मूले में पुट कर देंगे और रेस्ट 49 का हमारा पेयर का आर आ जाएगा। हमारे पास समेशन एक्स वाई आ गया 3030 करेक्ट, समेशन एक्स स्क्वायर आ गया 5350, समेशन वाई स्क्वायर आ गया 1964, समेशन एक्स आ गया 490, समेशन वाई आ गया 294, एन आ गया 49। आर के फार्मूले में सभी वैल्यू को हम पुट कर देंगे तो हमारा रिमेनिंग 49 वैल्यूज़ का आर आ जाएगा 0.3। तो जैसा कि हम देखेंगे जो हमारा ओरिजिनल आर था और जो वन आइटम जो रॉन्ग थी उसको एक्सक्लूड करके निकाला तो उसमें कोई इम्पैक्ट नहीं आया है। और एग्जांपल देखते हैं, कैलकुलेट कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन फ्रॉम द डाटा एंड इंटरप्रेट द रिजल्ट। समेशन एक्स वाई दे रखा है, एक्स बार दे रखा है, वाई बार दे रखा है, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स दे रखा है, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई दे रखा है, एन दे रखा है, KUK में 2002 में ये आया हुआ है कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में। अच्छा क्वेश्चन है, तो देखते हैं कैसे करेंगे। हमें क्या गिवन है, समेशन एक्स वाई गिवन है, एक्स बार गिवन है, वाई बार गिवन है, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स है, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई है और एन है। तो अब हमें आर की वैल्यू निकालने के लिए क्या चाहिए, समेशन एक्स स्क्वायर, समेशन वाई स्क्वायर, समेशन एक्स, समेशन वाई, समेशन एक्स वाई हमें दे रखा है। तो पहले हम क्या करेंगे, समेशन एक्स निकाल लेंगे, एक्स बार होता है हमारा समेशन एक्स डिवाइड बाई एन, एक्स बार दे रखा है, समेशन एक्स निकालना है, एन दे रखा है तो हमारा समेशन एक्स आ गया 285। सिमिलरली समेशन वाई निकालेंगे हम, वाई बार इज इक्वल टू समेशन वाई डिवाइड बाई एन, यहाँ से समेशन वाई आ जाएगा 280। अब हमें समेशन एक्स स्क्वायर और समेशन वाई स्क्वायर चाहिए। समेशन एक्स स्क्वायर के लिए हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स है, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स होता है समेशन एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय एन माइनस समेशन एक्स डिवाइड बाय एन का होल स्क्वायर अंडर द रूट। वैल्यू को पुट करेंगे और स्क्वायर कर देंगे बोथ साइड तो हमारा समेशन एक्स स्क्वायर आ जाएगा 9225। सिमिलरली हम स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई से समेशन वाई स्क्वायर डिवाइड बाय एन माइनस समेशन वाई डिवाइड बाय एन का होल स्क्वायर अंडर द रूट वैल्यूज को पुट करेंगे, स्क्वायर करेंगे तो समेशन वाई स्क्वायर आ जाएगा 8153.6। अब हमारे पास सभी वैल्यू आ गई हैं, हमें फार्मूले में अप्लाई करना है, आर इज इक्वल टू समेशन एक्स वाई माइनस समेशन एक्स समेशन वाई डिवाइड बाय एन होल डिवाइड बाय समेशन एक्स स्क्वायर माइनस समेशन एक्स का होल स्क्वायर डिवाइड बाय एन अंडर द रूट समेशन वाई स्क्वायर माइनस समेशन वाई का होल स्क्वायर डिवाइड बाय एन अंडर द रूट। सभी वैल्यूज हैं, हम वैल्यूज को पुट करेंगे और हमारी आर की वैल्यू आ जाएगी पॉजिटिव 0.757। इस प्रकार से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। एक और एग्जांपल देखते हैं, कैलकुलेट आर फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। हमें क्या गिवन है, समेशन एक्स है, समेशन वाई है, एन है, समेशन एक्स माइनस 22 स्क्वायर दे रखा है 85, समेशन वाई माइनस 90 होल स्क्वायर दे रखा है 25, समेशन एक्स माइनस 22 वाई माइनस 19 दे रखा है 42। MDU में 2006 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो अब हम क्या करेंगे, हमने माना dx हमारा x माइनस 22 और dy माना हमने y माइनस 19। तो हमारा डाटा क्या है, x बार निकालना है, समेशन x डिवाइड बाय n होता है, समेशन x दे रखा है, n दे रखा है तो ये आ गया 22.5। तो x बार से हमारा फार्मूला होता है a प्लस समेशन dx डिवाइड बाय n, तो x बार है 22.5 इज इक्वल टू ए है हमारा 22, समेशन डी एक्स हमें निकालना है 10, एन की वैल्यू दे रखी है पुट कर देंगे तो समेशन डी एक्स आ जाएगा 50। सिमिलरली वाई बार
समेशन वाई डिवाइड बाय एन 189 डिवाइड बाय 10, ये आ गया 9 इक्वल टू होता है ए प्लस समेशन डी वाई डिवाइड बाय एन। अब हम फार्मूले में वैल्यूज को पुट करेंगे तो हमारा समेशन डी वाई आ जाएगा -1। हमारे पास सभी वैल्यू हो गई है, अब वैल्यू हो गई है तो फार्मूले में पुट करेंगे, हमारा समेशन डी एक्स स्क्वायर दे रखा है 85, समेशन डी वाई स्क्वायर दे रखा है 25, समेशन डी एक्स डी वाई दे रखा है 43, और समेशन डी एक्स डी वाई हमने निकाला है, समेशन डी एक्स और समेशन डी वाई हमने निकाला है। आर की वैल्यू को फार्मूले में पुट कर देंगे तो हमारा आर आ जाएगा, जो कि आ रहा है आर आ रहा है हमारा पॉजिटिव 0.959। इस प्रकार से हम ओरिजिनल डाटा से वैल्यूज़ को कैलकुलेट कर सकते हैं। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। थैंक यू वेरी